They love to see talent, they love to see performance, they love to see winning, and they love to make a lot of noise. And I hope that noise can become like our 12 or 13 man on the big day. एलएसजी को अपनी मनचाही शुरुआत नहीं मिली तो क्या हुआ? ना फैंस का जोश कम हुआ और ना ही हमारे सुपर जायंट्स का हौसला। आप लोग फिल्में नहीं देखते? फिल्मों में भी तो हीरो को दो चार चोटें खानी पड़ती है, तो क्या हो गया? और भैया वैसे भी आज का मुकाबला तो हमारे शेरों के गढ़ में है। इकाना स्टेडियम में एलएसजी दिखाएगा अपना कमाल और मचाएगा भौकाल। सुपर जायंट्स को एक्शन में देखने के लिए लखनऊ वाले पलके बिछाए बैठे हैं। केएल राहुल की फैन फॉलोइंग, ओ माय गॉड, केएल राहुल के लिए फैंस के बीच इतना क्रेज है कि अपने शाहरुख सलमान सब हैरान हो जाए। यकीन नहीं होता, खुद देख लीजिए। स्टार स्पोर्ट्स के इवेंट स्टार नहीं फार में लखनऊ वालों का जोश अपनी हदों को पार करता नजर आया जब यहां केएल राहुल ने कदम रखा। राहुल फैंस के दिलों में और लखनऊ राहुल के दिल में। राहुल स्टेज पर आए और दिल खोल कर बातें की। हेलो सब, पहले तो शांत हो जाओ। 2 साल हो गए लखनऊ को, लखनऊ के टीम जब से आईपीएल में आया है, एंड जो प्यार जो सपोर्ट पूरा यूपी से हम लोग को मिल रहा है, यू कैन सी दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट द टीम मीन्स टू ऑल ऑफ देम, एंड उनका सपोर्ट उनका प्यार पहले साल से हैज़ बीन वेरी वेरी टचिंग एंड दे welcomed us into the IPL beautifully, and 2 साल से हमने टॉप फोर में यू नो वी मेड इट इनटू द टॉप फोर, सो होपफुली इस बार 2 स्टेप और आगे जाके वी कैन ब्रिंग द ट्रॉफी होम टू द फैंस ऑफ यूपी। द फर्स्ट थिंग दैट यू नो स्ट्रक मी वाज यार अभी मेरे कैप में नंबर 1 लगेगा एंड आई विल बी द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले फॉर। जब आपका इंजरी हो जाता है फर्स्ट थिंग यू फील इज अरे यू आर लेटिंग योर टीम डाउन, यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, एंड अगर आपको इंजरी हो जाए तो यू फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेटिंग द होल टीम डाउन, लेटिंग द होल फैंस द फ्रेंचाइज द ओनर्स ऑल ऑफ देम डाउन, एंड या सो द फर्स्ट फ्यू वीक्स वर वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था वो टाइम में, एंड बहुत personally I was very down. I don't know what it was, but I think it, my motivation was the World Cup. जब हमारे कप्तान केएल राहुल इकाना स्टेडियम में उतरेंगे तो रनों की होली खेली जाएगी, लेकिन रनों की होली से पहले हमारे कप्तान केएल राहुल और उनकी आर्मी रंगों की होली खेल चुकी है, और इनकी होली सेलिब्रेशन देखकर आप अपनी होली सेलिब्रेशन भूल जाएंगे। होली पर जिसने नहीं देखा लखनऊ वालों का गजब अंदाज, समझो उसने कुछ भी नहीं देखा। एलएसजी के होली धमाल में शामिल होने आए जब राहुल भैया, तो नीला रंग उनके सिर चढ़ बोल रहा है, लेकिन चेहरा था एकदम साफ। हाँ अब ठीक है, ये रंग ही ऐसा है, किसी को नहीं छोड़ता। लीजिए कोच साहब भी आ गए, गुरु होंगे आप प्रैक्टिस सेशन में, होली महफिल में सब बराबर हैं। गेंदबाजों की पूरन पोली बनाने वाले निकोलस पूरन का ये हाल किसने बनाया? रंग अलग अलग है, चेहरे अलग अलग, लेकिन मस्ती एक जैसी है। होली के हुड़दंग में रंग जमाने के बाद एलएसजी वाले आज अपने होम ग्राउंड में रन बरसाने को तैयार हैं। मैदान पर मचाओ कुछ ऐसा धमाल कि पक्का हो जाए जीत का रंग।
पंजाब के खिलाफ मुकाबले में केएल राहुल, पूरन, कृणाल, इन सब के अलावा एक खिलाड़ी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गैस हु? टीम के नए मेंबर पडिकल। हमने इनसे की खास मुलाकात और खूब सारी बातें। To be honest, I was really looking forward to playing under KL because I've played quite a bit with him, but I've never played under his captaincy, under his leadership. So that's something I'm looking forward to doing because he's someone who is obviously a role model for me in Karnataka because he has achieved pretty much what everything that I would want to achieve in my career. So to be playing under him and learning from him would be an interesting experience, yeah. I'll be batting in the top order, so that's something that I'm really happy about. But at the same time, I enjoyed the time at RR where I learnt a lot in terms of my batting, in terms of the shots that I can play, the areas I can access. So I feel I'm a much more complete player now, so I'm really looking forward to showcasing that this IPL. Yeah, it's great. You know, it's a fresh start for me, so I'm really looking forward to it. So far, I felt very welcomed. I've really enjoyed the company. Like, I think it'll be something that I'm used to doing a lot more. Batting at the top order, you know, trying to get quick runs at the top is something that I enjoy doing. So I'm looking forward to that. आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एलएसजी के एक ऐसे फैन से जिसने एलएसजी को सपोर्ट किया एक बहुत ही अनोखे अंदाज में, वर्ल्ड्स बिगेस्ट गुजिया बनाकर। हम लोग की स्टार्टिंग हुई थी अप्रोक्सीमेटली 33 इयर्स अगो 92 में। क्रिकेट हैज बीन अ फर्स्ट लव। आई मीन हम लोग जब शुरुआत में भी क्या होता था कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप आता था तो छप्पन भोग ये इंश्योर करता था कि हर एक को वर्ल्ड कप के छोटे छोटे शेड्यूल मिले। तो क्रिकेट का प्यार तो हमारा बहुत टाइम से चल रहा है। तब से हम लोग जो क्रिकेट की तरफ प्यार दिखा रहे हैं और जब हम लोग पता चला कि लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी सिटी की टीम फाइनली आईपीएल में आ गई है इतने टाइम बाद, तब से हम लोग कुछ ना कुछ एक तरीके से अपनी, जैसे कहा जाता है, फूड फॉर थॉट, तो उसको कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अपने क्रिएटिव वे में। और तभी से हम लोग ने जो अपने स्टोर में फ्लैग्स लगा दिए और हर स्टिकर्स में लगा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारे इसमें नमकीन में हो गया, वैसे ही बॉक्सेस में हो गया, दैट वी आर छप्पन भोग सपोर्ट्स एलएसजी, व्हाट अबाउट यू। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू इंश्योर कि हाँ, जिनको नहीं भी पता है उनको पता चले एलएसजी के बारे में। केएल राहुल सब कुछ है, वो है ही भालू बाहुबली। जिस तरीके से वो कम बैक है तो एक हम लोग ने उनको ही डेडिकेट करा है, ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट गुजिया है। हमारी लखनऊ टीम वर्ल्ड की सबसे बड़ी टीम है, हमारे लिए बेस्ट टीम है। तो हमने सोचा कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, हमारे लिए आईपीएल में बेस्ट टीम मानी जाती है, तो उसको भी बेस्ट तरीके से हम लोग अपना एक विश ग्रांट करें। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो तैयार हो जाइए, लाइव एक्शन शुरू होगा शाम 6 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। तो सुपर जायंट्स, दिखा दो अपना कमाल और मचा दो भवकाल।